नमस्कार, आवाज इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सलोनी सुमित शर्मा। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नवगठित शक्ति जिला अंतर्गत बस्सी बारा द्वारा में सतनामी समाज द्वारा एक दिवसीय सतनाम सम्मेलन का आयोजन किया गया। सतनाम सम्मेलन का छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के मुख्य आतिथ्य में सम्पन्न हुआ। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता बाबा गुरु खुशवंत साहब के पहुँचने पर महिलाओं द्वारा पुष्प वर्षा आरती उतार कर उनका स्वागत करते हुए मंच तक लाया गया। सभी अतिथियों के द्वारा सर्वप्रथम बाबा गुरु घासीराम के तेल चित्र पर पूजा अर्चना माल्यार्पण कर जेत खम की पूजा अर्चना कर उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि दुनिया में ज्ञान बहुत बड़ा है, हम सभी को सीखना भी बहुत है। इस मौके पर महंत ने बाबा साहब अंबेडकर, महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों को नमन करते हुए डॉक्टर महंत ने कहा कि आधुनिक युग के इन बाबाओं ने अपने जीवन काल में महात्मा बुद्ध, कबीर साहब, रविदास जैसे संतों गुरुओं की समतामूलक विचारधारा को आगे बढ़ाया था। अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि इनकी विचारधारा पर चले और उसे आगे बढ़ाए। महंत ने मई गुरु माता मिनी माता को नम आंखों से याद करते हुए उनके साथ अपने परिवार के आत्मीय संबंध को उजागर किया। विधानसभा अध्यक्ष ने समाज के लोगों से बाबा गुरु घासी के दिखाए मार्ग पर चलने के लिए कहा। इस मौके पर बाबा गुरु घासी राम के दिए सतनाम संदेश व उनके चिन्ह खेत जेत खाम और उनके सफेद झंडे के जरिए इन्होंने सतनाम संदेश को समझाते हुए सदा जीवन उच्च विचार की सीख देते हुए बाबा गुरु घासी के सतनाम विचारधारा पर चलने की बात की। इस मौके पर मंचस्थ अतिथियों में जिला प्रतिनिष्ठ ठाकुर गुलजार सिंह, जिलाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह, सेवा दल कमल किशोर साहू, अमित राठौर सहित अतिथि मौजूद रहे।